एरोकोट इनहेलर का और जानेंगे यह कौन सी प्रॉब्लम में काम आता है, कितने दिन तक इसका यूज करना चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और क्या इसकी आदत पड़ती है या नहीं पड़ती। तो फुल रिव्यू करेंगे एरोकोट इनहेलर का। दोस्तों देखिए, एरोकोट जो इनहेलर है ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है, यानी सिप्ला कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है। ये करीब करीब आपको 250 रुपये का एक पीस हर केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों 200 डोज आती है और कंपनी के द्वारा आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ भी दी हुई है, इसके अंदर एक डोज काउंटर दे रखा है। उससे क्या होता है कि उससे आपको पता चलता रहेगा कि कितनी डोज आपने यूज कर ली और कितनी अभी बाकी है। ये तो सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों इसके अंदर। बात करें कौन सी प्रॉब्लम में काम आता है, तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले कहता हूँ डॉक्टर की पर्ची से ही लिया जाता है, सेल्फ यूज इसे मत कीजिएगा। ये ज़्यादातर अस्थमा के कारण होने वाले प्रॉब्लम में दिया जाता है। अस्थमा जैसे कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है सांस लेने के लिए, आपके चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कफ इकट्ठा हो गया है, सीटी की आवाज़ आती है, तह तह की आवाज़ आ रही है, तो इन प्रॉब्लम में ये डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ साथ COPD की प्रॉब्लम में भी इसे दिया जाता है। COPD की प्रॉब्लम की कहे तो कुछ लंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो लंग्स के अंदर जो छिद्र होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनके कारण सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनमें भी ये दिया जाता है। इसके अंदर दोस्तों दो सॉल्टों का कम्बिनेशन आता है, पहला है लेवोसिल्बेटामोल। लेवोसिल्बेटामोल के साथ दोस्तों बेग्लोमेथासोन आता है। लेवोसिल्बेटामोल दोस्तों क्या करता है कि उन मांसपेशियों को रिलैक्स करता है जिन मांसपेशियों के अंदर से वायु का आदान प्रदान हो रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों कुछ रुकावट आ जाती है, तो उसको रिलैक्स करके उसका वायु मार्ग चौड़ा कर देता है, जिससे कि आपको जो ब्रीथिंग है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, तो ब्रीथिंग को ईजी बनाने के लिए काम आता है। और दोस्तों इसके अंदर जो बेग्लोमेथासोन है ये एक एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड बोले तो कोर्टिकोस्टेरॉयड की श्रेणी में आता है, सेफ है, इसकी कोई आदत नहीं पड़ती, घबराने की बात नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई आदत नहीं पड़ती इसकी। तो बेग्लोमेथासोन क्या करता है, ये कुछ सूजन आ जाती है इन्फेक्शन के कारण या किसी को कुछ और वजह के कारण स्वेलिंग आ जाती है, तो उनको ये कम करता है और जो इचिंग होती है उनको भी कम करता है, तो इस तरीके से दोनों मिलकर काम करते हैं। डोज की बात करें तो कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तभी आप निकाल कर इसे यूज़ कर सकते हैं, एक बार बस हिलाना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा कोई मशीन किसी की जरूरत नहीं पड़ती, डाइ इनहेलर है, डायरेक्ट इसे यूज़ किया जाता है। अगर सावधानी की बात करें तो सावधानी कुछ हो सकती है इसके, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग में है उस टाइम इसे यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। एल्कोहल के साथ इसे यूज मत कीजिएगा डायरेक्टली। दोस्तों साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इसके, जैसे कि आपका मुंह सूख सकता है लेने के बाद, लाइट सरदर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, कभी कभार देख जाते हैं, घबराने कोई बात नहीं है। तो दोस्तों फुल रिव्यू था एरोकोट इनहेलर का, कमेंट बॉक्स में बताएगा और कौन से इनहेलर के बारे में जानना चाहते हो, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, वीडियो को देखने